सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को भेजा गया है। इस नोटिस का जवाब हॉस्पिटल को 14 दिन के अंदर देना होगा। हमारे डॉक्टर विजय वर्मा जो निर्माण के गुरु भाई भी हैं और मासन के चिकित्सक भी हैं, तो इसलिए उन्होंने ये दावा किया है। या तो जोड़ी गाउंड अपने बात पर स्टैंड करे कि हमने ओपी पॉइजनिंग का इलाज किया है और ओपी पॉइजनिंग ही है, या नहीं तो फिर यदि ओपी पॉइजनिंग नहीं है तो ओपी पॉइजनिंग का इलाज करके निर्माण की हत्या की है, इसलिए 100 करोड़ का मुआवजा। स्वामी शिवानंद पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि निगमानंद की अस्पताल में ही हत्या हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा था कि उन्हें जहर नहीं दिया गया है। अल्मोड़ा के एडम्स गर्ल्स के प्राइमरी स्कूल के 10 कमरे के भवन भीषण आग लगने से भवन पूरी तरह आग की भेंट चढ़ गया, जिसमें रखी लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। ये घटना उस वक्त की है जब ईसाई समुदाय के लोग चर्च में प्रार्थना करने गए थे। करीब 11 बजे एकाएक भवन से धमाके की आवाज सुनी गई। लोगों ने देखा तो भवन के अंदर से धुआं आने के साथ ही आग की लपटें उठने लगी। आनन फानन में स्थानीय जनता ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। तत्काल प्रभाव से फायर सर्विस व प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। आग लगने से स्कूल बुरी तरह खाक हो चुका है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की जांच की जा रही है। दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने मंचलों और बलात्कारियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। दरअसल राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही घटनाओं के बाद एक संस्था ने लड़कियों को मार्शल आर्ट की मुफ्त ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग के बाद ये लड़कियां खासी उत्साहित भी नजर आ रही हैं। हम नहीं सहेंगे अत्याचार, देंगे मुंहतोड़ जवाब, ये आवाज है उन लड़कियों की जो आज के बदलते दौर में भी खुद को काफी पिछड़ा पाती हैं, क्योंकि आए दिन हो रही महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं ने महिलाओं को खुलकर जीने पर रोक लगा दी है। लेकिन अब बस और नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु में चल रहे T20 मैच में पाकिस्तान ने भारत को मात दी है। 5 विकेट से जीत हासिल की है पाकिस्तान ने और अंतिम ओवर तक खिंचा ये मैच। 5 विकेट से जीत हासिल की है पाकिस्तान ने, भारत को हरा दिया है। पहला ये मैच था T20 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच। 134 रन का टारगेट दिया था भारतीय टीम ने पाकिस्तान को, 133 रन बनाए थे और इस 134 रन के टारगेट को आखिरी ओवर में 20वें ओवर में पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 5 विकेट से हरा दिया है भारत को। कप्तान हफीज ने खेली है अर्शद की पारी। शोएब मलिक ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। बड़ी खबर इस वक्त की पहले मैच में, पहले T20 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा था, शुरुआत में जरूर पाकिस्तान के 3 विकेट झटके थे जल्दी और उसके बाद पारी को संभाला कप्तान हाफिज ने, शोएब मलिक ने, और शानदार बल्लेबाजी की। नतीजा ये कि पाकिस्तान ये मैच 5 विकेट से जीत गया। बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा था और T20 मैच भारत पाक के बीच फैसला आ गया है। पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की है, आखिरी ओवर में जीत हासिल की है पाकिस्तान ने। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, निर्धारित 20 ओवर में 133 रन बनाए, 134 रन पाकिस्तान को बनाने थे जीत के लिए और अंतिम समय तक संघर्ष चलता रहा गेंद और बल्ले के बीच, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने जीत हासिल की है। अंतिम ओवर में ये टारगेट 134 रन का टारगेट हासिल किया और 5 विकेट से भारत को हार का सामना करना पड़ा। पाक कप्तान हफीज ने शानदार पारी खेली है, अर्शद की पारी, वहीं शोएब मलिक ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। उमर गुल ने चटकाए हैं भारत के 3 विकेट। तो बेंगलुरु में T20, पहले T20 में पाकिस्तान के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा है। 5 विकेट से पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। कप्तान हफीज ने शानदार कप्तानी पारी खेली है, अर्धशतक की पारी उन्होंने खेली और शोएब मलिक ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। वहीं गेंदबाजी की बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो उमर गुल ने 3 विकेट चटकाए हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में जरूर भारत ने कुछ झटके, बड़े झटके पाकिस्तान को दिए, लेकिन उसके बाद
पाकिस्तानी जोड़ी डटी रही मैदान पर और मैच जीतने में पाकिस्तानी टीम सफल रही है। लखनऊ में आज पुलिस पर ही की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हां, मामला है लखनऊ के नाका इलाके का, जहां पुलिस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को पकड़ने पहुंची थी, तभी उन्होंने पुलिस पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस पर ही की गई दिन दहाड़े फायरिंग। जी हां, मामला है लखनऊ के नाका इलाके का, जहां आज लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो थी पुलिस, लेकिन उन बदमाशों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दरअसल बीते दिनों पहले लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में एक ठेकेदार के घर के बाहर से ही उससे बंदूक की नोक पर लूट लिए गए थे लाखों रुपए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने दोबारा से भाजपा के कल्याण करने की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी शायद भाजपा को दोबारा केंद्र में सरकार बनाते हुए देखने के लिए ही जिंदा है। भारत के जननायक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। गुजरात चुनाव से ड्यूटी कर वापस लौट रही एसएसबी के जवानों से भरी स्पेशल ट्रेन से असलहों का जखीरा चोरी हो गया, फिर क्या था, चारों तरफ मच गया हड़कंप। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसएसबी के अधिकारियों ने इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई कि गुजरात चुनाव से लौट रही एसएसबी के जवानों से भरी एक स्पेशल ट्रेन से असलहों का जखीरा चोरी हो गया है। अक्टूबर माह में टिहरी लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट सबके सामने आ गया था और कांग्रेस के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के बेटे साकेत बहुगुणा की करारी हार भी हुई थी, लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद कांग्रेस ना तो इस हार से सबक ले रही है और ना ही हार की समीक्षा ही कर रही है। वहीं अब खुद कांग्रेसी नेताओं ने हार का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों हारा, इसकी समीक्षा अभी तक नहीं हुई है, या फिर यूं कहें कांग्रेस समीक्षा करना ही नहीं चाहती। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा खुद अपने बेटे को हार से क्यों नहीं बचा सके। एक बार फिर राजधानी दून में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक 20 साल के युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। युवक की मौत से भड़के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर को निलंबन कर जेल भेजे जाने की मांग की। राजधानी दून के कॉरोनेशन अस्पताल में 20 साल के युवक को नमोनिया की शिकायत होने के बाद लाया गया था, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर शराब के नशे में धुत था, जिस कारण वो बार बार परिजनों को धमकाता रहा। मृतक के परिजनों के बढ़ते हंगामे के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डॉक्टर की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। लाल बत्तियों की बंदरबाट का मुद्दा उत्तराखंड गठन से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब एक नई बहस इस बात को लेकर छिड़ी है कि आखिर कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। वैसे तो लाल बत्तियों को थोक के भाव बांटने में कोई भी सरकार पीछे नहीं रही है। कांग्रेस की नरेंद्र तिवारी सरकार तो कुख्यात हो गई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सरकार के दौरान कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज करते हुए दायित्वधारी का नाम दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी सरकार में लाल बत्तीधारियों की तादाद थोड़ा कम थी। अलबत्ता जहां तिवारी सरकार के दौर में बेसिर पैर के लोगों को लाल बत्ती मिल गई, तो बीजेपी सरकार में सुखदेव सिंह नामधारी सरीखे लोगों की लाटरी खुल गई। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा ओखला बैराज पर करीब एक महीने तक मरम्मत कार्य चलेगा। इस मरम्मत कार्य की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जिस बैराज पर आप मजदूरों को कार्य करते हुए देख रहे हैं, यह बैराज सन 1984 में बनकर तैयार हुआ था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस बैराज को बनवाया था। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि तब से लेकर अभी तक एक बार भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया था। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा।
रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही, क्या आपने देखा है वो देशद्रोही, खबरदार चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता है ना? रहो हमेशा पास पास। हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, खुश रहना, कीप ड्रीमिंग, कीप यू नो एंजॉयिंग योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर योर हार्ट इज टेलिंग यू टू डू, सो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, आई होप यू हैव अ ग्रेट न्यू ईयर एंड एन एक्सीलेंट 2013, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैव अ रियली रियली गुड फैशनेबल स्टाइलिश न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं रवीना टंडन और आपके दर्शकों को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गाल बनाया जा सकता है, गाल सजाया जा सकता है, आइटम है फेजूर, फिर भी काम में लाया जा सकता है। कैच प्योज के 6-6 मजेदार फ्लेवर्स हैं, तो आपके मेहमान सादे पानी का क्या करेंगे, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच प्योज तो मिलाओ। आजम खान का दिल्ली और केंद्र सरकार पर करारा हमला, सवालिया लहजे में कहा कांग्रेस ने फेल कराया दिल्ली में स्टूडेंट्स का मूवमेंट, दिल्ली पुलिस ने अराजक तत्वों को मौके पर क्यों नहीं पकड़ा। बरेली में दिन दहाड़े लड़की के अपहरण की कोशिश, छात्र नेता ने साथियों के साथ मिलकर दिखाया दुस्साहस, पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। फैजाबाद में होटल में बलात्कार मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी दरोगा के अलावा अयोध्या के कोतवाल ने भी लूटी थी लड़की की इज्जत, पीड़ित की शिकायत की जांच शुरू। कुशीनगर में फर्जी एसओजी टीम का भंडाफोड़, सीआईएसएफ के बर्खास्त कांस्टेबल और 3 होमगार्ड के जवानों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में लुटेरों की तलाश में दबिश डालने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, आरोपी बदमाशों में से एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से भागने में कामयाब। हरिद्वार का मातृ सदन जॉली ग्रांट अस्पताल पर ठोकेगा 100 करोड़ का दावा, अस्पताल पर लगाया संत निगमानंद को जहर देकर मारने का आरोप। अल्मोड़ा के एडम्स गर्ल्स हाई स्कूल में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, गैस सिलेंडर से आग भड़कने की आशंका। आगरा की जिला महिला चिकित्सालय में 3 नवजात बच्चों की मौत से हड़कंप, देहरादून के कार्नेशन अस्पताल में भी बच्चे की मौत के बाद हंगामा। वाराणसी में बीएचयू के दीक्षांत समारोह का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन, नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव भी हुए समारोह में शामिल। और पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया, लेकिन यूपी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही मैच में किया कमाल, 3 विकेट झटके। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। 25 दिसंबर आज के दिन एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने देश की सियासत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया, एक ऐसा शख्स जिसने सियासत के सारे गुणा भाग ही बदल डाले, एक ऐसा शख्स जो कि दिमाग से तो नेता था लेकिन दिल से एक कवि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि 88 साल के हो गए हैं। सियासत में एक सन्यासी की तरह ये कवि करीब 5 दशकों तक सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों पर राज करता रहा, गिरती सेहत ने साथ न दिया तो सियासत को अलविदा कह दिया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। 25 दिसंबर 1924 को अटल जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ग्वालियर में जन्मे अटल जी एक दिन देश की सत्ता पर राज करेंगे।
पूरी ईमानदारी से अटल जी ने अपना काम किया। अटल जी को खुले विचार और साफ छवि के तौर पर जाना जाता रहा है। बदनामी जैसे शब्द अटल जी को छू भी नहीं पाए। सबसे पहले देखते हैं अटल जी के शुरुआती जीवन के कुछ खट्टे मीठे पल।